कि जब कोई दुकान चलाते हैं उसको स्पीकर ऑडियो ये सारे फॉल्ट जो हमें सिखाए गए वो खुद भी करता ही होगा रिपेयर, ठीक है। तो वो भी आईसी निकाल कर ही कर देता होगा। अगर आईसी निकाल कर नहीं होता है तो उसके बाद का उसका कभी उसको मिलेगा ही नहीं, उसकी मेरी गारंटी है। वो अगर ढूंढना है तो एशिया टेलीकॉम में वो एंडलेस है, वो एंडलेस है। कौन सा पैड बताया? कौन सा पैड? कितने वोल्टेज? बाहर क्या? क्या वीडीडी? सीआर कितना? 250 से 600। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? हमारे साथ है 28 नवंबर की बेच होगी नहीं भाई? टाइम क्या हो रहा है? 9 बज गया 8 बजे की क्लास थी। 9 कैसे बज गए? बज गए। तो किसके साथ थी आपकी क्लास? देव सर के साथ। काई की क्लास थी? ऑडियो आईसी की। सबसे पहले एक आईसी का नाम बताओ आप, कितने बॉल की बताई आपको सबसे पहले? 9 बॉल के बाद कितने बॉल की बताई? 14 बॉल के बाद कितनी बताई? 16 बॉल के बाद कौन सी बताई? 36 बॉल। कोई सी छुट्टी है क्या? इसमें खेल खत्म है पूरे मोबाइल? यस सर, खेल खत्म है। हमने एनालॉग आईसी भी देखी, डिजिटल आईसी भी देखी और स्मार्ट आईसी भी देखी। स्मार्ट आईसी के दो फंडे हमको पता है। पहचानने में कोई दिक्कत होगी? डायग्राम देखने की दिक्कत होगी? नहीं सर। अभी आपने जब सर ने आपको यहाँ पर पहुंचाया प्रैक्टिकल लैब में, तो ऐसा कौन सा बच्चा है जिसका छूटा है प्रैक्टिकल? सबने किया कि नहीं किया? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ। आप बताइए आपका प्रैक्टिकल? रवि, हाँ सर। आपने प्रैक्टिकल करा? पूरा कर दिया। हमारे हाथ से वोल्टेज सारे चेक करे? चेक कर दिया सर। समझ में आया? परफेक्ट सर। ठीक है। संदीप, यस सर। आपने आपके हाथ से वोल्टेज चेक करे? यस सर। समझ में आया? यस। बताओ मेरे को थोड़ा सा डिटेल बताओ, इधर आगे बताओ। आपने सारी चीजें चेक करी? अपने मुँह से बताओ भाई, मैं नहीं बोलता। ट्रेसिंग में प्रॉब्लम हो रही थी कल, यहाँ पर किया तो हो रहा था, घर जाकर कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा, तो आज मैंने सर से पूछा, एमडी सर से कंप्लीट मुझे गाइड किया गया और आज मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने खुद ने बताया। आपने खुद से कर लिया? एक बार भाई क्लैपिंग हो जाए इनके लिए, संदीप के लिए। और मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। तारनाथ। हाँ बताइए, कैसा रहा आपका ऑडियो सेक्शन आज का? मेरे को हिंदी मालूम। हाँ तुम अपनी भाषा में बोलो। मेरा भाषा में तो युवत नानो जो रिंगर सेक्शन। सबसे पहले अपना परिचय दो, अपने जो करनाल से हो वहाँ पे, अपना बैंगलोर से। बैंगलोर से हो? बैंगलोर। हाँ बैंगलोर, बैंगलोर से। तो वहाँ पे थोड़ा अपना परिचय दो, थोड़ा सा वहाँ के व्यूअर भी आपको देख रहे हैं। मैंगलोर बंदे नानु एस्ट टेलीकॉम के युवते अंदर रिंगर सेक्शन आडियो सेक्शन एल नोड़े। रिंगर सेक्शन मेन अरे ट्रैपिंग अब ट्रैपिंग नोड़े ना ट्रैकिंग मत नुंद ऐसी कूड़ा नान रिमूव अदरली पैड लाइन कूड़ा चेक मे पैड लाइन नु ಏನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಬೋರ್ಡಿಂದ, ನಾನು ನನ್ನದು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ 4 ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹಾಕಿ ನನ್ನದು ಆಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದೆ, ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಐ ಸಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಸಿ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಕರ್ದಿಯ ಮೇರ ಐ ಸಿ ಮಿಸ್ ಹೋಗಾಯ್ತು ಇಸಿಲಿ. ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका चित्रंजन। चित्रंजन बताइए आज की क्लास के बारे में, अपनी भाषा में बता दो। देखो साहब, आज रीजनल लैंग्वेज जो अपनी उसकी भाषा में बताना। मैं अपने स्टेट को ये कर दो। तुम्हारा मोबाइल चालू कर लो, तुम्हारा मोबाइल भी चालू कर लो। अपनी भाषा में बताओ, जो जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसकी भाषा में बताओ। उन्होंने बताया, आप भी बताइए। देव सर ने आज बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया ऑडियो वॉइस के बारे में और ठीक से समझ गए हम और प्रैक्टिकल किए और प्रैक्टिकल में रिजल्ट मिला आपको? रिजल्ट मिला सर, रिजल्ट मिला। जो वहाँ पे बताया वो प्रैक्टिकल में वही मिला आपको? प्रैक्टिकल में मिल गया सर। अच्छा, इस क्लास में से अभी किसने सेट बनाया भैया? आरडीओ के प्रॉब्लम थी और चालू किया किसने? किया वन प्लस हो गया सर। और किसने चालू किया?
अर्शद एक और स्टूडेंट है मेरे साथ, अर्शद अर्शद थोड़ा बताइए क्लास के बारे में। सर आज की क्लास है ना सर, जो सर ने जो बताया आज सेक्शन वाइज ने क्या 9 बॉल वगैरह, उसके बाद 14 बॉल, 16 बॉल, 36 बॉल, जैसे जैसे स्मार्ट आईसी के बारे में बताया सर, तो सर सब यानी जो पहले प्रॉब्लम होती थी वोल्टेज के बारे में वगैरह, तो सर वो पूरी डाउट मुझे आज क्लियर हो गया सर उसमें। सर ने आपको ओनली ई एन के बारे में, ई एन वाली आईसी भी बताई आपको, जिसमें एक ई एन आता है ना, एक में कमांड की लाइन भी आती है, एस डी एस सी एल भी आती है, और ई एन भी आता है, तीन भी आता है, आपका स्मार्ट पीए भी आता है, आपका स्मार्ट पीए कैसे वर्क करता है, सारी जानकारी आपके दिमाग में हुई कि नहीं हुई? जी सर, जी सर। और आज होमवर्क में क्या दिया सर ने आपको? सर आज नोट 7 और नोट 7 प्रो का सर रिंगर आईसी के डाटा शीट बनाने के लिए, डाटा शीट तैयार करने। भाई कौन कौन डाटा शीट तैयार करेगा? सब करेंगे, सब करेंगे, वो भी आप पढ़ोगे, मतलब जो भी आप करोगे तो तुम ड्राइंग शीट तो बनाओगे। एक अपनी वॉइस नोट डालो, मतलब मालूम पड़ना चाहिए कि मतलब आप लोगों को सारी चीजें अपनी क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। डे बाय डे अगर हम रिव्यू लेते हो तो रिव्यू मतलब ऐसा ही नहीं होना चाहिए। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका दीप। अच्छा क्लास कैसा रहा आपका? सर क्लास बहुत बढ़िया रहा आज का। आज का सेक्शन ऐसा था कि हम लोग पहले केवल जीआर चेक करते थे, वैल्यू चेक करते थे, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि हाँ इनमें वोल्टेज का भी बहुत अच्छा काम होता है। तो आपको सारे वोल्टेज मालूम पड़े? जी सर। कब आपको आईसी को बदलना है ना, कि बदलना है कि नहीं बदलना है, आपके एक्चुअल आपके पहले आप जीआर चेक करते थे रिंगर पे, और आज आपको मालूम पड़ा कि वहाँ पे वोल्टेज का भी अच्छा वोल्टेज भी आते हैं, कितना कितना वोल्टेज कहाँ कहाँ होना चाहिए ये भी बताया सर ने। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है बिहार से, नाम है इनका पप्पू। बताइए पप्पू यादव जी, बताइए। बेस्ट रहा? यस सर। क्या खूबी थी आज की क्लास में? आज की क्लास में जो जो चीज़ के हम लोग को डाउट था उस सब के लिए वो डाउट सारा क्लियर हुआ। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, विजय मौर्या, यूपी से जो है, यूपी से विजय मौर्या हैं। विजय बताइए आपका ऑडियो सेक्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर, हो गया, हो गया, क्लियर हो गया। कैसा लग रहा है आपको बताइए आप मेरे को, मतलब आपको नॉलेज दिन पर दिन गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर दिन क्लास में एक नई चीज मिलती है कि नहीं मिलती आपको? बिल्कुल मिलती है। नहीं मिलती है? जी सर। ठीक है। और कोई यहाँ टाइम का पाबंदी है कि मतलब 7:30 बजे तक पढ़ना है, 8 बजे तक पढ़ना है, 9 बजे तक पढ़ना है, 9:15 बजे तक पढ़ना है? जब तक हमारा काम डन नहीं होगा, जब तक हम घर नहीं जाएंगे। ठीक है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका इम्तियाज, सामने आइए। इम्तियाज बताइए। हाँ सर, थोड़ा सा देव सर का तारीफ करना चाहते हैं। जी कर लो, बिल्कुल पेट भर के कर लो, पूरा पूरा थोड़ा। बहुत अच्छे हैं सर, बहुत, मतलब किसी को अगर रजिस्टर कैपेसिटर कोयल का मतलब कभी नाम भी नहीं सुना है ना, आज वो लड़का 5 या 6 दिन में उसको टेस्ट कर सकता है, कहाँ पे सर्किट में वो बता सकता है, वैल्यू बता सकता है। ये खाली तुम तुम्हारी बात बता रहे हो, पूरी क्लास की बात? पूरी क्लास की सर, पूरी क्लास की बता रहे हो बात? पूरा सर, सब एग्री करेंगे सर इस चीज के ऊपर, किसी का डाउट नहीं। और मदरबोर्ड को ट्रेस करना और एक फोन को बनाने के लिए ये कंपोनेंट बहुत जरूरी होता है। हाँ, जो भी छोटा मोटा भी मैकेनिक है या जो जानता है उसको पता है कि ये सब का वैल्यू कितना ज़्यादा है सर। और वो सर इतना अच्छा समझाते हैं कि मतलब पूरा बेसिक से लेके पूरा लास्ट तक का पूरा समझाते रहते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो जितने घंटे भी पढ़ाते हैं, वो जितना बार स्टार्टिंग से पढ़ाते रहते हैं उसको रिवीजन भी करते रहते हैं, यहाँ तक कि कल जो पढ़ाएं उसको आज आकर के फिर रिवीजन करवाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सबसे अच्छा चीज़ वो होता है। तो इससे जो थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है वो कंटिन्यू रिवीजन करते करते हम लोग का पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। तो सर बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छी क्लास है आपकी। आज जो वहाँ पर जो देख के आए उसका आपने लाइव प्रैक्टिकल करा, लाइव प्रोग्राम डायग्राम करा, तो ऐसा तो ऐसा अनसिंक्रोनाइज तो नहीं हुआ ना कि सर ने कुछ बता दिया और पीसीबी पे कुछ मिला? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो होती है प्रैक्टिकली होती है ना, पूरी प्रैक्टिकल सर, पूरा पूरा। तो मैं बता दूं कि आईडियो यहां से पैदा होता है, यहां से ये होता है, यहां से जबान होता है। हां, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं संदीप? अगर कोई दुकान चला रहा है तो मुझे इतना पता है कि जब कोई दुकान चलाते है उसको स्पीकर ऑडियो ये सारे फॉल्ट जो हमें सिखाए गए वो खुद भी करता ही होगा रिपेयर, ठीक है, तो वो भी आईसी निकाल कर ही कर देता होगा। अगर आईसी निकाल कर नहीं होता है तो उसके बाद का उसका कभी उसको मिलेगा ही नहीं, उसकी मेरी गारंटी है। वो अगर ढूंढना है तो एशिया टेलीकॉम में, वो एंडलेस है, वो एंडलेस है। राजीव कुमार। राजीव कुमार कैसे रहे भैया आज? बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया रही आपकी? जी सर। तो मतलब ये आज आपको क्या क्या सीखने को मिला बताइए?
आरडी से लिखने के मिला सर। ऑडियो सेक्शन आपका पूरा क्लियर हुआ? जी सर पूरा क्लियर हो गया। कोई भी सेट ऑडियो का आएगा जी सर, तो आपको उसको वोल्टेज मेजरमेंट में जीआर निकालने में कोई दिक्कत होगा? जी कोई दिक्कत नहीं होगा सर। कब आपको आईसी बदलना है, कब आपको पीसीबी पे काम करना है, कंपोनेंट पे काम करना है, इसका नॉलेज हुआ आपको? जी सर बिल्कुल हुआ। हम उस तरीके से टेक्निकल दुकान वाली चीज, जो दुकान वाली लैंग्वेज थी हमारी, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही है हमारी। जी दिन प्रतिदिन क्लियर होता जा रहा है सर। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जी सर, कर रहे हैं ना? जी सर है ना, पहले दिन संभव था क्या? नहीं सर, दो दिन तीन दिन अपने आपको टाइम दिया, खुद को टाइम दिया, आपने अपने आप से संघर्ष करा, हमने ही कहा दिन प्रतिदिन कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है सर, बढ़ते जा रहा है ना, धीरे धीरे सब चीजें समझ में आ रही है ना। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। रमेश कुमार वेयर इन फ्रॉम? बिहार से हो? रमेश कैसी रही क्लास आज की आपकी? बहुत अच्छी है सर। बहुत अच्छी, क्या समझ में आया आज? आज ऑडियो का, तो आपका ऑडियो पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। पूरा क्लियर हुआ? यस सर। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका सतनाम। सतनाम कहाँ से भाई? हरियाणा से सर। हरियाणा से सतनाम, आज बताओ मेरे को आईडी को कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। जीआर वोल्टेज कब आईसी बदलना, कब आईसी नहीं बदलना, कहाँ लाइन ट्रेस करना, क्लियर हुआ कि नहीं आपका? बिल्कुल क्लियर हुआ सर। इससे पहले तो ये था कि अगर दुकान पे काम आ जाता था तो वो रिंगर चेंज करने पे लगे रहते थे, एक चेंज कर दिया दूसरा कर दिया। पहली बात रिंगर जल्दी से मिलती नहीं थी क्यों? अभी कितनी देर में मिलेगी रिंगर? अभी ये पता चल गया कि पावर आईसी पे कब काम करना है और रिंगर आईसी पे कब काम करना है, ऑडियो आईसी पे कब काम करना है और उसके ऊपर। यस सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा नाम आगे आइए, नाम बताइए अपना। नारायण। नारायण वेयर इन फ्रॉम, कहाँ से भाई? गुजरात से। गुजरात से नारायण, कैसी रही क्लास आज की? बेस्ट है सर। बेस्ट थी? हाँ सर। सब चीजें समझ में आई आपको? बात करें 9 बॉल की, बात करें 14 बॉल की, बात करें 16 बॉल की, बात करें 36 बॉल की, बात करें 42 बॉल की, सर सब समझ जाए। स्मार्ट पीए है ना, डिजिटल आईसी और डिजिटल के बाद एनालॉग आईसी, सब सारी चीज समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है बिल्कुल। और हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका, वेस्ट बंगाल से है, शफीउर रहमान। बताइए भाई कैसा रहा आपका क्लास? सर बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा, क्या खूबी रही आज की क्लास में? सर हम लोग तो दुकान में काम कर रहे थे, मतलब कितने समय से काम कर रहे हो भाई? 5-6 साल से काम, 6 साल से इसी लाइन में काम कर रहे हो, कंटिन्यू मोबाइल की लाइन में काम कर रहे हो? जी बिल्कुल सर। अच्छा मतलब आपने नोकिया का जमाना देखा है? देखे हैं। अच्छा 11-10 नोकिया का। लेकिन सर जो हमको अभी पढ़ा रहे हैं तो हमको याद आ रहा है सर, ये हम पहले कह नहीं किए थे। अगर आप 5 साल या 3 साल पहले सर के पास आए थे तो क्या पोजिशन थी आपकी? सर क्या हो जाता आप अभी अभी कहाँ होते आप? सर हाई लेवल में। हाई लेवल पे सही बोल रहे हैं ये? यस सर। ये ठीक है, सही है। हमको अभी पता चल रहा है कि हम कहाँ गलती कर रहे थे, हमको क्या चीज मालूम नहीं था। अच्छा बस चलिए ठीक है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सर। हाँ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला गोवा से हैं, बहुत बढ़िया जगह से हैं, हर किसी का सपना होता है गोवा जाना, और ये गोवा में जाता है। चलिए ठीक है, बताइए आज की क्लास के बारे में। क्लास सर बहुत ज़बरदस्त थी, हम लोग आए तो सर ने पूरा बताया कि अपन इवन अगर आपको लो भी वॉल्यूम आता है ना तो हम लोग स्पीकर ही चेंज करते रहते हैं, मन में डाउट रहता है ओरिजिनल स्पीकर लगाएंगे तो ही सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीकर्स जो है उसमें दो आ रहा है, हाई आ रहा है, फटा हुआ आ रहा है, कैसा भी आ रहा है, ऑडियो में, रिसीवर्स में, एवरीथिंग सर ने क्लियर किया। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि हम बैठे रहते हैं, सर समझा रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है, वैसे होती है, और ये चीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ की वही चीज़ हम लोग आकर के ना प्रैक्टिकल की क्लास में अपना क्लियर कर देते हैं कि हाँ ये इतनी वोल्टेज इसमें आ रही है, उसमें ये है, एवरीथिंग जो है ना पूरा एक। अब्दुल्ला ये बात तुम खाली पर्सनल तुम्हारी कर रहे हो कि पूरी क्लास की कर रहे? नहीं सर पूरी क्लास की। अभी भाई एक बार और पूछ रहा हूँ, किसी को डाउट है क्या? नो सर। आज के सेक्शन के बारे में बताओ मेरे को। नो सर। एक एक का क्लियर हुआ है? यस सर। ठीक है चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका गुरतेज। यस सर। वेयर इन फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पंजाब। पंजाब। गुरतेज कैसी रही क्लास आज आपकी? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। आज मैंने खुद से एक सेट बनाया ऑडियो आईसी का, पर वो चलता था, फिर से उसका आईसी उखाड़ के उसका जीआर चेक किया और एक एक पैड की कौन से रेजिस्टेंस लगे, कौन से कंपोनेंट, वो खुद से बनाए और उसको रिबोल करके दोबारा लगाया, अभी फिर से जीआर चेक की, सारी वोल्टेज वगैरह चेक की। अगर हम रिंगर सेक्शन हमारी आंखों से देखते हैं तो अब देखते ही हमको समझ में आता है तीन रजिस्टर के काम क्या होंगे, बड़े कैपेसिटर का काम क्या होगा, दो अगर हमारे को कॉइल लगी है तो उसका काम क्या होगा, जीरो ओम का रजिस्टर लगा है तो काम क्या होगा, हमको बिल्कुल देखते से ही बनेगा वो। बिल्कुल सर बिल्कुल। हमको कहाँ वोल्टेज चेक करना है, कहाँ वोल्टेज नहीं चेक करना है, हमको कितने जगह पे कितने वोल्टेज आना चाहिए, हमारा इनपुट की लाइन कितनी आना चाहिए, हमको कहाँ फ्रिक्वेंसी मिलना चाहिए, एक फ्रिक्वेंसी का बाईपास रास्ता भी बताया अभी मैंने। यस सर। बताया ना मैंने, बताना नहीं है किसी को। ठीक है सर। बिना डीएसओ के भी हम ऑडियो चेक कर सकते हैं, हमारी ऑडियो आ रही कि नहीं आ रही। यस सर। 3-4 बार पूछेंगे तो बोल देंगे सर, अभी रहने दीजिए। चलिए आगे आइए। मेरा भी कीजिएगा सर। नाम बताइए थोड़ा अपना।
कमल कुमार सोनी बिहार से। बिहार से भाई, जनता देख रही, घर वाले भी देख रहे हैं, देखो इधर हाई कर रहे हैं तुमको है ना। थोड़ा क्या मैसेज दोगे घर वालों को? घर वाले अगर आपके पूछना चाहते हैं कि आप एशिया टेलीकॉम गए, आज आपको कौन सा दिन है? पांचवा दिन है, छठा दिन है ना? छठा दिन है ना सर? हाँ छठा दिन है, छठा दिन है। छह दिन में मतलब क्या करा आपने? तो अगर वो पूछ रहे हैं घर वाले तो आप क्या? 70% पूरा हो गया सर 6 दिन में, इससे पहले तो फीस वसूल हुई कि नहीं भाई? मतलब बिहार की लैंग्वेज में बोलूं कि वहाँ गए तो पैसे वसूल हुए कि नहीं हुए? जी सर। ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, बहुत दूर वाला स्टूडेंट है, वेस्ट बंगाल से है। आगे आइए सर। हाँ भाई, अगर कोई वेस्ट बंगाल से आए तो क्या बोलना चाहेंगे आप? सर आना पड़ेगा जी, बिल्कुल आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा सर। बिना आए काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर, यहाँ बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है और हम लोग समझ में। तो तुमको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है सर पूरा। मतलब ऐसा कोई सा दिन जिस दिन आप नीरस बैठे हो या बिना उदास बैठे हो? पूरा समझा रहा है एकदम, पूरा बेहतरीन से समझा रहा है और समझ में आ रहा है पूरा। और नहीं समझ में आता जबरदस्ती करते हैं टीचर, हाँ बैठ यहाँ पे समझ के फिर पूछ के बता लेते हैं। ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका विजय। आइए आए विजय, घर वाले देख रहे हैं आपके भाई, थोड़ा क्या मैसेज दोगे घर वालों को? घर वालों को सर यही है कि यहाँ पर सब बढ़िया सिखाया जाता है सर। घर वाले बोल रहे हैं कि मेरे मतलब वो घर से रोटी छोड़ के आए, नींद चैन सुकून आराम सब छोड़ के आए, यहाँ मेहनत करे तो रिजल्ट मिल रहा कि नहीं आपको? बढ़िया मिल रहा सर, बेटर रिजल्ट। वो फीस में पैसा डाला वो वसूल हो रहा कि नहीं? सबसे मेन इम्पोर्टेंट घर वाले ये पूछ रहे हैं कि वो फीस में पैसे डाले तो मिल रहे कि नहीं वापिस, रिटर्न मिल रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है, अभी तो बहुत क्लास बाकी है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, ओवरऑल थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट। दूसरे नंबर पे क्या चेक करेंगे? और फिर आईसी चेंज करेंगे पैड लाइन के साथ। अब बाकी का पैड बनाते हैं, कितने पैड बचे बताओ? तीन, दो। अब बताओ यहाँ पर क्या लाइन बची है? यहाँ पे पैड लाइन बताओ, ये बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? छोड़ तो नहीं रहे ये? बोर्ड में कुछ भी लिखा छोड़ना नहीं, ध्यान रखना। अब मुझे बताइए सबसे पहले हमने कौन सा पैड बनाया? कौन सा पैड? कितने वोल्टेज? बार क्या? क्या जी आर कितना? 250 से 610। ठीक है,
चलिए तो आज हमारा ऑडियो सेक्शन की क्लास थी, तो क्या कर रहे हैं अभी है? सर ऐसे निकाल के उसका टेप चेक। क्यों ऐसे निकाल रहे हैं आप? रिंगर की लाइन चेक कर रहे हैं। रेडमी से रिंगर लाइन ट्रेसिंग किया आपने, स्पीकर के दो टिप्स मिले। यहाँ पे जो आपको डायोड और कैपेसिटर मिला, ये आपको कॉइल मिला, तो कैसा लग रहा है अभी क्लास, समझ में आ रहा है? ट्रेसिंग कर पा रहे हैं अभी? तो आईसी आप इसलिए निकाल रहे हैं कि आप पैड जाना चाहते हैं, किस पैड से आ रही है? यस सर। तो डर तो नहीं लग रहा चालू फोन में आईसी निकाला? बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, करी कंप्लीट करी। आपका कहाँ पर हुआ ट्रेसिंग बताइएगा? आज आठ फोन पे कर रहे थे आप? MI Note 4 सर। MI Note 4 पे कर रहे थे? हाँ सर। तो दिखाइए बोर्ड, दिखा दीजिए। तो इसमें लाइव ट्रेसिंग कर रहे थे आप सारी चीज़? हाँ सर। पावर आईसी नहीं, कॉम्प्लेंट मिले आपको? हाँ मिल गए सर। चलिए ठीक है, लाइव बोर्ड पे भी लाइव प्रेसिंग कर लीजिएगा। आप क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? हो गया ट्रेसिंग। ये 5A का बना है? नहीं, 4X का है। 4X का है। ये जो आपने बनाया हुआ है, ये आपका इनपुट आउटपुट और हमारे पे जो कहाँ पे ये आना चाहिए सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे आपने? ओके लिखा हुआ है। इसके बीच में आपको कॉम्प्लेंट भी मिले होंगे, जैसे बूस्ट कॉइल और यहाँ पे आउटपुट में आपका ये चला गया, ये कनेक्टर यहाँ पे है। तो समझ में बनाया है कि ऐसे कहीं से उतार दिया आपने? नहीं, समझ के बनाया। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। अभी आप क्या कर रहे हैं? कैसी रही आज देव सर की क्लास? अच्छी सर। समझ में आई सारी चीज़ें? ट्रेस कर रहे हैं अभी आप? ओके ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? ट्रेसिंग कर रहे हैं। और किस बोर्ड पे कर रहे हैं अभी आप? MI Note 5। 5 में बताइए रिंगर सेक्शन कहाँ पे है, थोड़ा फोन पे बताइए, ट्वीज़र पकड़ लीजिए। यहाँ पर रिंगर आईसी लगी हुई है। रिंगर आईसी लगी, पहचान जाएंगे रिंगर आईसी लगी है तो? जी। अच्छा, अगर रिंगर आईसी नहीं लगी है तो? रिंगर आईसी नहीं लगी है तो भी पहचान जाएंगे। कहाँ पे जाती है थोड़ा बताइए तो, लाइव किस सेक्शन में जाएगी? पावर में जाएगी, सेकेंडरी पावर में जाएगी? पहले रिंगर आईसी में जाएगी, उसके बाद मेन पावर में जाएगी। अच्छा, रिंगर आईसी नहीं है तो मेन पावर में जाएगी। ओके आपने डायग्राम इसका बनाया? जी। दिखाइए, पूरी नहीं हुई है और बना रहे हैं, बन जाएगा। अच्छा, अभी कंप्लीट कर रहे हैं? चलिए ठीक है, कंप्लीट करिए उसको। क्या कर रहे हैं अभी आप? बढ़िया, रिंगर आईसी को बॉल बना रहे हैं। रिंगर आईसी ट्रेस किया आपने? जी ट्रेस किया। ट्रेस करके रिवॉल्व करके उसको आप लगा रहे हैं? जी लगा रहे हैं। अभी कितने बॉल की आईसी है ये आपका? कितनी बॉल की आईसी है काउंट कर लीजिए, 14 या 16? 16 बॉल की ऐसी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। इनपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए हमारे पे, कितना हमारा 1.8 होना चाहिए, कितना हमारा आउटपुट होना चाहिए, सब पता है आपको? जी पता है। लाइव देखा है आपने? जी। ओके ठीक है, कंटिन्यू करिए। चलिए आप क्या कर रहे हैं? सर ये 5A का रिंगर ऐसी लगा रहे हैं। 5A का रिंगर ऐसी। तो यहाँ पे आपने ट्रेसिंग की? जी बिल्कुल। कनेक्टर तक कंटिन्यूटी मिल गई? जी सर, कॉपी में भी ट्रेसिंग की है। दिखाइए, तो ये आप देख सके, थोड़ा सा समझाइए क्या आपने बनाया है।
क्या पता आपने कैसे देख के उतार दिया, आउटपुट वोल्टेज थोड़ा समझा दीजिए जहाँ पे किया आपने सर। अभी पूरा बनाया नहीं है इसको, थोड़ा बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है सर, कंप्लीट करेंगे इसको अभी। ओके, कैसी रही ओवरऑल देव सर की क्लास आज रिंगर सेक्शन? जबरदस्त। मतलब सारी वोल्टेज आपको प्रैक्टिकल बताया गया कि बस ऐसे ही? सब प्रैक्टिकल बताया गया। सब प्रैक्टिकल देखा आपने, कैसी रही? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू फाइनल करिए उसको। जी सर। आप क्या कर रहे हैं? बस सर आई सी। कौन सा फ़ोन है ये? MI 3S। MI 3S का बना रहे हैं अभी आप? बस बन गए। ये टिप्स है और ये क्या लगा हुआ है आपका कनेक्टर? दो चप्पल कॉइल लगे। ओके, कैपेसिटर लगे दोनों साइड। ये रहा स्पीकर आई सी। ओके, इसको पहचान पा रहे हैं अभी आप? हाँ, उठाने के बाद पता भी चल जाएगा किस तरह से। चलिए ठीक है, फाइनली इसको ट्रेस करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? फाइव ए का बोर्ड है ये, थोड़ा सा नीचे करिए। ये आपकी 16 बॉल की आईसी लगी हुई है। 16 बॉल की आईसी लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या क्या इनपुट है ये सारा चीज चेक करके आप बना रहे हैं? जी हाँ। रीडिंग के साथ नोट कर रहे हैं यहाँ पे? ओके, ये रिंगर आईसी आपकी लगी हुई है, ये आपका आउटपुट हो गया। तो ये आपको कॉइल मिल रहा है, इसका थोड़ा डायग्राम बनाइए, उसमें लिखिए कैसे रही ओवरऑल आज रिंगर सेक्शन आपका। सेक्शन आज बनाया हुआ है सर, बढ़िया है। तो समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? वोल्टेज चेक कर पा रहे हो? वोल्टेज अगर आपको दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? नहीं दिखाया गया सर। प्रैक्टिकल दिखाया गया? प्रैक्टिकल दिखाया गया है, कितना वोल्टेज कहाँ आना चाहिए। ओके, कब आना चाहिए? कब आना चाहिए सारा दिखाया, सब बताया गया आपको। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। चलिए क्या कर रहे हैं अभी आप? कौन सा फ़ोन है आपका? MI 5A। MI 5A में कहाँ पे लगा है सेक्शन बताइए, ऑडियो सेक्शन? सर ये ना, ये लगा हुआ। पहचान पा रहे हैं अभी आप? हाँ सर। पहचानने में कोई दिक्कत आ रही है? नो सर, पहचानने में दिक्कत नहीं आ रही है। तो चलिए, आप जो बना रहे हैं यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका? सर हाँ सर, इसके मैंने GND इनपुट देखा है, कमांड इनेबल लाइन देख रहा हूं। ओके ओके, इनेबल लाइन कहाँ से आती है? EN लाइन सर, ये तो आती है, चेक कर लूँगी। चेक कर रहे हैं, चलिए ठीक है, कंप्लीट करिए इसको। क्या कर रहे हैं अभी आप? ये सर रिंगर आईसी का पूरा डायग्राम बना दिया। रिंगर आईसी का आपने पूरा फुल कंप्लीट डायग्राम बना दिया, तो समझाइए इसको। सर इधर तो फ्लेक्स रहता है। okay. सब बोर्ड से यहाँ okay. पे हम लोगों का मदरबोर्ड में जो ये रहा सब okay. बोर्ड का कनेक्टर, वहाँ से हम लोगों का आता है कोयल में, दो कोयल आया वहाँ पे, दो ग्राउंडेड कैपेसिटर रहते हैं। Okay. फिर आईसी में रहता है, आईसी में फर्स्ट हम लोग सारा बता रहे सर जी जी, हम लोग का ये आता है 4 वोल्ट का VBAT का सप्लाई आता है। EN वोल्टेज एनाबल करने के लिए वोल्टेज आता है okay. जो CPU से आता है, उसके बाद हम लोग का आउटपुट जाता है दो, ये जो दो है ये आउटपुट जाता है। सारा चीज़ आपने समझ के बनाया कि कहीं से उतार दिया आपने? नहीं, आज सर समझाएं और पूरा फंडामेंटल क्लियर हो गया और पूरा समझ गया सर। कैसे रही ओवरऑल देव सर की क्लास? देव सर की क्लास बहुत अच्छी थी, मतलब दिन पर दिन हम लोग का मतलब इतना अच्छा नया नया सब्जेक्ट है, इतना अच्छा कंटेंट आ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब पहले दिन से जो पढ़ा रहे हैं वो हर दिन रिवीजन हो रहा है, और पहले दिन से जो जो पढ़ा रहे हैं वो मतलब उसके ऊपर में नॉलेज और बढ़ते जा रहा है। ओके ओके, तो अगर आपके पास अभी ऑडियो से प्रॉब्लम, कोई भी फोन ऐसा नहीं कि 5A, अगर कोई भी फोन, कोई भी फोन आएगा सर फाइंड आउट कर लेंगे अभी, कोई भी इशू नहीं होगा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। थैंक यू। चलिए आप क्या कर रहे हैं? चालू ऑन बोर्ड है ये? हाँ। तो इसमें आप चेक कर रहे हैं, आपने आईसी निकाल दिए? हाँ। ओके, तो कंटिन्यूटी कर रहे हैं, दिखाइएगा थोड़ा इधर कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, सब चेक कर पा रहे हैं अभी? ओके ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं आप? आईसी निकाल के उसके एक एक पैड के कंपोनेंट कौन कौन से लगे हैं वो बनाए हैं। okay. और रास्ते में कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं आउटपुट की लाइन में? आउटपुट की लाइन में क्या क्या लगा वो बताइए। और ये सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं दो, कॉइल है ये, सॉरी कॉइल है। ओके, तो ये कैपेसिटर लगा है, दोनों की लाइन में लगा है, और डायोड और ये कैपेसिटर। ओके, तो कैसी रही ओवरऑल क्लास आ जाती, समझ के बना रहे? तो ये बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? अभी मैंने आईसी को रिबॉल किया, बहुत छोटा सा आईसी है। रिबॉल करने में कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। ऑन बोर्ड है ये? ऑन बोर्ड है सर। तो इसका वोल्टेज भी आप चेक करिए, वोल्टेज चेक करिए, वोल्टेज कहाँ कहाँ पे कितना आना चाहिए सब पता है आपको?
कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत बढ़िया सर, सारे वोल्टेज की जानकारी दी। तो प्रैक्टिकल अभी जो पढ़ाया सर ने वो प्रैक्टिकल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं सर। ओके ओके, चलिए एकदम से पूरा मिल रहा है। ये ऑन बोर्ड था, डर तो नहीं लगा कि हम निकाल देंगे, लगे कि नहीं लगे? ऐसे कैसे डर लगेगा सर, जब नॉलेज होगी तो फिर डर कैसे लगेगा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। चलिए आप क्या कर रहे हैं अभी? टीचिंग कर रहा हूं सर। आपने बनाया कुछ नोट्स? नहीं सर, बनाया था नोट्स। अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं सर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी टेस्टिंग। चलिए, तो अभी आप जो बना रहे हैं ये ऑन बोर्ड है आपका? यस सर, ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड में यहाँ पे हमें कहाँ पे आप पहचान जाएंगे ऑडियो सेक्शन हमारा लगा कहाँ पे? यस सर। तो वो आपको सारी निंजा ट्रिक बताएगी जी सर। तो अगर हम बात करें, कैसी रही आज आपकी ऑडियो सेक्शन? सर बहुत बढ़िया रही है ऑडियो सेक्शन की क्लास। एक एक चीज़ें जो नहीं पता थी आज तक जी जी, वो हमें बताई गई कि हाँ यहाँ पर इतना वोल्टेज होना चाहिए, पैरेलल में क्या है, सीरीज में क्या है, ये सब चीज़ सब कुछ बताया गया कि एक कॉम्प्लेंट भी अगर हट जाएगा, अगर हमारा ईएन भी नहीं आएगा तो भी हमारी ऑडियो सेक्शन एक्टिव नहीं होगी। तो ये सारा चीज़ डीपली नॉलेज मिली आपको? ये सर पूरी पूरी। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं भैया? ट्रेसिंग कर रहे हैं। ये नोट फोर का कर रहे हैं? हाँ, ये टेट था, इसको पहले ऑन किया है। ओके ओके, फिर प्रेसिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि केवल कहीं भी प्रूफ रख दे रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, कौन सी ऐसी कहाँ पे लगी, देख के पहचान जाएंगे भी? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हो अभी? हो गया ये, समझाइए थोड़ा सा, एक्सप्लेन कीजिए जो आपने बनाया हुआ है। क्या पता आपने कहीं से देख के उतार दिया हो? नहीं सर, ये रिंगर आई सी है सर। ओके, जब हैंडसेट ऑन होता है बताना यार। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, जब अपन बैटरी लगाते हो तो सर वीपीएच की लाइन सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है सर? अपने को बस हाईलाइट में बता दीजिए सर, अपने को रिंगर के जो टिप्स है तो वहाँ से पहले सप्लाई वो कंटिन्यूटी हम देख लेंगे कि हमारी ट्रैक सही है कि नहीं। बाकी सारा जो आप बता रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे ही बता रहे हैं आप? चलिए ठीक है, जो आपने बनाया ये खुद से बनाया कि कहीं से देख करके उतार दिया? खुद ने बनाया, ट्रेस करके बनाया। जी जी सर, देख कर बनाया तो फिर सर गलती तो नहीं हुई थी ना? ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हैं सर? आईसी निकाल के पूरे एक एक लेग बगल में तो देखने का सवाल ही नहीं है। ये दूसरा है और वो दूसरा है, दोनों एक ही है? अच्छा अच्छा, दोनों एक ही है। आईसी पूरी निकाल दी है यहाँ से। और फिर ये यहाँ पे कितने जीआर आने चाहिए, एक्चुअल कितने वोल्टेज आने चाहिए, ये सब कुछ ट्रेस करके बना रहे हैं अभी आप? सर, आपका सेट भी लाइव कुछ काम हुआ था शायद क्लास में? लाइव क्लास में काम? क्या काम किए थे आप, क्या देखा, क्या फॉल्ट था थोड़ा बताएंगे? मेरा फोन था रेडमी का था नोट 4, उसमें रिंगर का प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, फिर तो उसमें फॉल्ट था, हम लोगों ने ट्रेस किया पूरी क्लास में कैसा इशू था, फिर वो आईसी को ये लाइव क्लास में आपने किया? हाँ, ऐसा तो नहीं कि सर साइड में ले गए हो कहीं पे बना के ले आए हो? नहीं नहीं, लाइव बनाया। तो क्या प्रॉब्लम निकला उसका? उसका आईसी का प्रॉब्लम था। ओके, और एक कंपोनेंट ओपन था। ओके, तो वो आपने फाइंड आउट किया? किया, आईसी लगाया। अभी वर्किंग में है? हाँ, वो फोन वर्किंग में है। चलिए ठीक, कैसी रही थी सर की क्लास आज आपकी? समझ में आई सारी चीजें? पूरा खुद ही डेकोरेट किया है। ओके ओके ओके, एक फूल लगाया है इसमें। ओके चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये जो आपने बनाया हुआ है तो ये आपने समझ के बनाया है कि कहीं से नोट्स उतार दिया? नहीं सर, समझ के बनाया है। समझ के बनाया है, कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, कब वोल्टेज आना चाहिए, सब कुछ पता है आपको? कैसे रही ओवरऑल देव सर की क्लास? बहुत अच्छे सर, समझ में आ रहा है सारी चीजें? जैसे डे बाई डे क्लास बढ़ रहा है, हमारा सेक्शन भी बढ़ रहा है, तो सब बेसिकली समझ में आ रही है, रिविजन मिल रहा है आपको, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हो अभी आप? सर मैं ये अभी रिंगर आईसी का मतलब जो उसकी जो ट्रैकिंग कर रहे हैं लाइव फोन में। ओके, तो वोल्टेज चेक किया आपने? हाँ वोल्टेज चेक किया, इसमें मैंने दो वोल्टेज, एक 4 वोल्टेज। चलिए ठीक है, वोल्टेज बताने की जरूरत नहीं, कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए आपको पता है? हाँ पता होगा सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए, ट्रेस करिए। आप क्या कर रहे हो सर? ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग कर रहे हैं, कहाँ पे नोट्स बनाया, थोड़ा नोट्स दिखाइए। बना रहे हैं ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है सारी चीज़? आ रहा है ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम बना रहे हैं किस, क्या किस फोन का बना रहे हैं? 5A का बना रहे हैं। अब ऑडियो ऐसी पहचान जाएंगे कहाँ पे लगी रिंग ऐसी हमारी? ओके, ये जो आपने बनाया है सारी चीजें ये समझ करके बना रहे हैं? अपना समझ के बना रहे हैं कितना पे कौन वोल्टेज आएगा। ओके, इनेबल सिग्नल ये कब आएगा, ये सारी चीजें लाइन कब आएगा, ये सब प्रैक्टिकल मिला है कि ऐसे ही आपको बस बोर्ड में बता दिया? नहीं सर, आज जो पढ़ाई हुआ है प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? रिंगर आईसी की ट्रैकिंग कर रहा हूं। लगा रहे हैं कि निकाल रहे हैं अभी? निकाल रहा हूं। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं डर नहीं। चलिए ठीक है, कंप्लीट करिए। आप क्या कर रहे हैं?
उसका रिंगर ऐसे डाला अभी लगा रहे हैं जी। निकाल के ट्रेसिंग किया उसका जी, ट्रेसिंग करके वापस लगा रहे हैं। अच्छा, वोल्टेज चेक किया आपने जी? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रिंगर आई से निकाल रहे हैं। हाँ जी सर। तो कैसी रही आज दो सर की क्लास, कैसा रहा रिंगर सेक्शन हमारा? अच्छी रही सर, समझ में आया। समझ में आया कितना पे कहाँ पे वोल्टेज आ रही है, कहाँ पे मैं गलती हो रही थी, आज रियलाइज हुआ? सर पहले आप रिंगर आईसी के बारे में इतना सोचा नहीं यार। अच्छा अच्छा, कि यहाँ इतना से बड़ा सेक्शन भी होता है। तो अभी आपको कोई भी अभी सीपीयू हो उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे? हाँ कर लेंगे सर। अच्छा। करेंगे, जरूर करेंगे। ओके ओके, अभी आपको प्रैक्टिकल में जो सर ने पढ़ाया वो मिल रहा है आपको? ट्रैकिंग की थी। अच्छा, ये आपको नीचे से सर ये सब बोर्ड से ऊपर तक लेके गए? ओके ओके, ये सब मिला आपको? हाँ जी सर, ये मिला हुआ है, ऑन बोर्ड में मिला है। चलिए ठीक है। तो गाइज, आज की हमारी जो थी ऑडियो सेक्शन पे क्लास थी हमारी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे ही हम डे बाय डे हमारा सेक्शन होता है। तो ये हमारी इवनिंग की क्लास है और ये प्रैक्टिकल का, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ऐसे ही आप बने रहें। कल इनका ग्राफिक्स, फिर लाइट, फिर इनकी रिवीजन क्लास, ऐसे ही कंटिन्यू डे बाय डे होती रहेगी। थैंक यू सो मच। सर मैं लाइव पावर आईसी किया, सीपीयू किया। जब सीपीयू किया तो एक अंदर आए मतलब सर? हाँ सर, एकदम बढ़िया है। इन्हें सीपीयू करवा दिया, ये तो है मतलब। हाँ सर, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे तो एकदम बढ़िया सा काम किया। क्या यहाँ पे क्या क्या किया? लाइव सीपीयू और पावर आई, पावर आई सी, और बाद में अब ये लास्ट दिन क्या करके गए? डबल डे किया जी सर। हाँ सर, डिसिप्लिन सब चीज़ है सर यहाँ पे, जो होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में, जो सीखने के लायक जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, लाइव क्या किया? या सर लाइव मैंने सीपीयू लगाया, पावर आई सी लगाया। आखिर दिन क्या किया? डबल डेकर। क्या हमने आपको बताया कि बोर्नियो कितना मतलब कितना बोर्नियो गलत है? हाँ सर, कि बोर्नियो ने आधा दूरा कान दे। हाँ सर, क्योंकि बना रहे हमारे जैसे ही लड़के। वो भी बताया था कि नहीं बताया था? आप स्टूडेंट आते हैं कि नहीं सिखाते सर? यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जी जिसने पीसीबी पे कोई भी कंपोनेंट छोड़ा हो। बिल्कुल, कनेक्टर से लेके कंपोनेंट से लेके लास्ट क्या करके गया? सर डबल डेकर किया था। डबल डेकर। मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अच्छे से सीखना है तो एशियन टेलीकॉम में आया। आपने कभी आईसी पे काम किया था? कभी नहीं। यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? लाइव सीपीयू भी लगा, आईसी पे भी लाइव काम, पावर आईसी पे काम और आईसी पे। लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर। डबल डेकर मैं जानना चाहता हूँ, लास्ट डे क्या करके गए आप? सर लास्ट डे डबल डेकर। डबल डेकर राहुल राज, लास्ट डे डबल डेकर करके गए। बताओ कि लाइव क्या करके गए? सर लाइव 4G सीपीयू निकाला, पावर लाइव बनाया उसको। हां सर, एक बार राहुल के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। सर लास्ट डे अपन ने मतलब ड्यूल टेकर पर वर्क किया। ड्यूल टेकर पर वर्क किया, क्लीनिंग प्रोसेस पूरा सर। आपने तो तीन टाइम किया ना उसको? हाँ हाँ हाँ, मेरे ब्लैक पेस्टेड फोन था वो मैंने खुद ऑन किया और सर को दिखाया। क्या दिखाया आपने? क्या क्या काम किया? लाइव पावर एसी और लाइव सीपीयू किया। और लास्ट डे क्या करके गए? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर पर लाइव क्या किया आपने? सारे टोटल लाइव किया, ईएमसी है, ईएमसी लाइव पावर सीपीयू लगाया कि नहीं लगाया? सीपीयू टोटल लगाया, टोटल लगाया है। लास्ट डे क्या करके गए? डबल टेकर। डबल टेकर। तो आखिरी दिन क्या किया आपने? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर बढ़िया तरीके से जी सर। आप किस पर? मेरे साथ लाइव क्या किया आपने? लाइव डुअल डेकर आपका लास्ट डे क्या किया? लास्ट डे डुअल डेकर किया। हाँ दोस्तों, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू। डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?
कैसे डिबल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने की। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you.